बच्चों तुम फिर आ गई। तुम्हारा अपने घर में दिल नहीं लगता क्या? बाजू क्या करूं, दिल मेरा यही लगता है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, सोचा आपसे मिला हूं। तुम जरा कमरे में चलो मेरे साथ। चलो सज्जू, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिल को ना काबू में कर लो। मैं इस घर में कोई और हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती। बच्चों ये क्या कह रही हो तुम मुझे यहाँ आने से कैसे मना कर सकती हो? क्योंकि तुम जज्बात में आके सारे काम खराब कर रहे हो। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हें फायदा हो तो तुम्हें जज्बात से नहीं बल्कि सब्र से काम लेना होगा। अगर सारा नहीं आई ना तो तुम्हारी सास ने वैसे इस शाम तक किसी और लड़की को ब्याह कर ले आना है, इसलिए मैं अपनी जगह खुद बना रही हूँ और बनानी पड़ेगी। इस बारे में तुम्हें खुद सोचना चाहिए। सच्चो अनवर बहुत गुस्से में है। वो अब हमारा कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। बल्कि मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं इस घर में तुम्हारी जगह बनाते बनाते मैं अपनी जगह ना खो दूं। नहीं सज्जू, मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती। बच्चों सच पूछो तो मैं उस दिन अनवर के तेवर देख के ना बहुत डर गई थी। ना बाबा ना, मैं अब मजीद कोई रिस्क नहीं ले सकती। वैसे बच्चों तुमने कभी सोचा है कि अगर सारा इस घर में वापस आ गई तो जैसे अनवर भाई और बाकी सब सोचे बैठे हैं तो तुम्हारी क्या वैल्यू रहेगी? हाँ, सब सारा के गुण नहीं गाने लगेंगे क्या? सारा के आगे पीछे नहीं घूमेंगे? सारा 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 नहीं होने लगेगी तो क्या करोगी फिर तुम? तुम्हारी इज्जत करेंगे क्या? जब अनवर भाई देखेंगे कि सारा की वजह से ज़हीन कितने ऐश में रहते हैं तो क्या वो तुमसे शादी करने में पछताएंगे नहीं? बताओ। और अभी जो जुलेखा खाला तुम्हें बात बात पे आवाजें लगाती हैं, बाद में सारा सारा पुकारेंगी तो फिर क्या करोगी? इस बार में नहीं सोचा क्या तुमने? बच्चों तुम्हारी वैल्यू भी इसी में है कि तुम इस घर में मेरी जगह बनाओ, वरना फिर तुम अपनी जगह कहीं और बना लो। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या वाकई एहसान फरामोश लोग मुझे भूल जाएंगे? और अगर वाकई अनवर ने किसी मीर औरत से दूसरी शादी कर ली तो फिर मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।